हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है उसमें आज लास्ट वीडियो होगा 8.1 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 10 और 11 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे समझते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पढ़िए, क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट एंगल क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है बच्चे, जिसका नाम है पी क्यू आर और ये क्यू पर 90 डिग्री है। ठीक है, क्यू पर क्या है 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है, यानी कि ये है हो गया क्या है पी आर, कौन सा है पी आर, ये पी आर और क्यू आर का वैल्यू 25 है। तो और इसका वैल्यू 5, तो पहले पी क्यू का वैल्यू 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों का वैल्यू कितना है 25 है ना, जोड़ने पर। तो मान लीजिए किसी का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं, इसका वैल्यू x मान लिया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या मान लिया x मान लिया, तो इसका जो वैल्यू बचेगा ये तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस लगा करके हम लोग इसका x का वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बाकी सब वैल्यूज हमें पता चल जाएगा। अगर वैल्यू पता चल जाएगा तो इसको पुट करके आंसर निकाल देंगे फटाक से। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, क्या लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी और क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू और आर का स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, ये 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चे स्क्वायर हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 625 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर और इसको माइनस 2 ए भी करेंगे तो माइनस का 50x हो जाएगा इस साइड में। इस साइड में कितना आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब बचा जो, इसको हम लोग अरेंज करके लिखने का कोशिश करते हैं। आप थोड़ा समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि 50x हो जाएगा इधर लेके चले गया और इसको इधर लेकर आएंगे तो 625 में से घटा दिए इसको तो ये हो गया 600। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए तो एक्स का वैल्यू बच्चा कितना आएगा 60/5, यानी कि आप सोल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 12 आ गया। अब देखो x का वैल्यू 12 आ गया तो हमारे पास सभी का वैल्यूज देखिए कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज हम लोग लिखने वाले हैं यहां से, सॉरी ये क्या है वैल्यूज पी क्यू, पी और क्यू हमारे पास हो गया 5, उसके बाद हमारे पास क्यू और आर जो हो गया x है तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें से घटा दीजिए 25 में से 12 घटाइए तो पी आर जो होगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, तो सभी का वैल्यूज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं p के लिए निकाल रहे हैं ना, सभी जो है p के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन जो है साइन p के लिए हमको चाहिए। तो p के लिए हमारे पास देखो इसके लिए परपेंडिकुलर x है तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये b है तो b हो जाएगा, यहाँ पे p हो गया वैल्यू 12 और b हो गया कितना, b हो गया आपका 5 और ये h हो गया वो है 13 हो गया। इसको आप समझ जाइए, तो यहाँ पे साइन पी पी बाय एच, पी बाय एच कहने का मतलब क्या हो गया पी बाय एच, हमारे पास पी क्या है आर क्यू जो है इसके लिए पी है तो क्यू आर पी है, तो यानी कि 12 बटा कितना हो जाएगा एच 13 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे कॉस पी यानी कि बी बाय एच होता है तो यहाँ पे बी कितना है तो बी इसके पास 5 है तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर टेन पी की बात अगर करते हैं बच्चे तो टेन पी के लिए हो जाता है क्या पी बाय बी, तो एक है पी कितना है तो यहां से पी देख सकते हैं 12 है और बी हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट जो सवाल है ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमने यहाँ पे सबके लिए लिख दिया है, आप इसको एक बार समझ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर पूरा डिटेलिंग में समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो चलेगा, ठीक है, जो आपको बोर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। जो वैल्यू ऑफ टेन ए होता है वो हमेशा लेस देन वन होगा क्या, ये ऐसा स्टेटमेंट है। तो देखिए ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल बराबर है तो उसके दोनों साइड भी बराबर होंगे, उसका रेशियो पी बाय बी करेंगे तो उसका वैल्यू वन आ जाएगा। वन आ जाएगा तो इसका मतलब वो वन के बराबर हो गया ना, लेस देन टू वन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो सेक का वैल्यू होता है क्या, देखो b by h होता है किसका वैल्यू, तो b by h होता है आपका वैल्यू cos का, और यहाँ पे sec है तो h by b हो जाएगा। तो ये 12/5 है, ये हो सकता है सही है, क्योंकि h का वैल्यू बड़ा है और 5 जो है छोटा है, तो ये वैल्यू हो सकता है, तो इसलिए इसको ट्रू कह दिया। इसको देखिए cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। क्या cosecant ऑफ एंगल a है, cos a। तो देखो भाई ये cosecant नहीं है, ये होता है cot के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, cot के लिए होता है, इसलिए cos के लिए तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अब बात करते हैं cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, cot a सॉरी cot एंड a, तो ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो होता है cosecant एंगल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3/4 सम एंगल थीटा, ऐसा होता है क्या। तो यहाँ पे देखिए ये होता है, sin का वैल्यू होता है p by h, यानी कि h हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमें सब बड़ा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, छोटा दे दिया है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। आई होप ये सब एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए उम्मीद है ये जो 8.1 का एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन हमने दिया है आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।